आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में एक्सेल में सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे। हम लोग इस फॉर्मेट मेनू के अंदर में प्रोटेक्टेड शीट, लॉक सेल, इस सब के बारे में हम जानेंगे कि हम डाटा बना चुके हैं, हमारा शीट दिखे तो, लेकिन हमारे शीट में कोई कुछ काम नहीं कर सके, इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड शीट या हम इंडिविजुअल लॉक को, सेल को लॉक करना चाहते हैं। सेल को लॉक करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला को हम लोग हिडन कैसे करेंगे। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एक्सेल सिक्योरिटी या कहें हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट लॉक सेल एंड हाइड फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, या आप ऐसे भी कह सकते हैं लॉक सेल एंड प्रोटेक्ट शीट इन एक्सेल, मतलब आप कैसे लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इस शीट को लॉक करना बताते हैं। आप फॉर्मेट खोलिए, या फॉर्मेट खोलने के साथ साथ लिखता है, आप चाहें तो कंट्रोल वन दबाएं, जो ही कंट्रोल दबाएं तो आपको ऐसे लिखता है, प्रोटेक्शन आपको आ जाता है। हम लोग इसको करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट खोले और यहाँ पे भी लिखता है प्रोटेक्टेड शीट। आप लिखते हैं तो लिखता है प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस टू द डाटा इन ए शीट बाय स्पेसिफाइंग व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज। अब खोलिए इसको, अब यहाँ पे लिखता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड शीट। आप यहाँ पे 1 2 3 4 सपोज देते हैं, फिर आप 1 2 3 4 दीजिए, अब आपका शीट लॉक हो गया, अब आपके शीट में कोई कुछ लिख नहीं सकता है। ये रहा हमारा शीट लॉकिंग का कंसेप्ट कि आपका शीट दिखेगा तो, लेकिन कोई चाहे तो इसमें लिख नहीं सकता है। अब हम चाहते हैं कि अनप्रोटेक्टेड हो जाए, हमको इस पे काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है, कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं, मतलब आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, जो है वही दिखेगा। बाद बाकी आप देख सकते हैं ऊपर में बोल्ड डिटेलिंग, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जो भी है आपका शीट लॉक होते ही आपको इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको फिर से अनप्रोटेक्टेड शीट करते हैं। अब आप 1 2 3 4 जो भी आप पासवर्ड दिए हैं आप याद रखिए, आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो कोई उपाय नहीं है, आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ पासवर्ड याद रखने होंगे। अब इसके अलावा हमारे पास आता है इसी फॉर्मेट में अंदर में, या तो आप फॉर्मेट सेल यहाँ से खोल ले, लॉक सेल भी लिखा हुआ है, या आप कंट्रोल प्लस वन दबाएँ, जो ही दबाएँगे तो ये देखिए लिखता है प्रोटेक्शन, इसमें लॉक हिडन लिखे हुए हैं, तो इसको समझना है। अब हम चाहते हैं कि सेल लॉक करें, इस सेल को पूरे को लॉक करें, पूरे को अनलॉक करें, स्पेसिफाई किसी डाटा को, किसी सेल को लॉक करें, अनलॉक करें, इस टाइप का काम करना है। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट ऑल कीजिए, सेलेक्ट ऑल, या तो आप बाहर में रह के कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर डबल क्लिक मारेंगे तो आपका पूरा ब्लॉक बन जाता है। तो अब अगर हम कंट्रोल वन मारते हैं या फॉर्मेट खोलते हैं तो ये देखिए आपका सारा शीट बाय डिफॉल्ट लॉक्ड रहता है, तो हम लॉक रहता है। अब हम लोग इसको चाहे तो अनलॉक कर सकते हैं, तो अनलॉक कर दीजिए या हटाइए, अनलॉक करके इसको आप ओके करिए। अब हम चाहते हैं कि हमारा इतना ही दूर में ये लॉक रहे और बाद बाकी मेरा अनलॉक रहे, इतना में हम काम करें तो नहीं हो, कोई करे नहीं, बाहर फ्री रहे। तो अब आप फिर से इसको आप कंट्रोल वन करिए या फॉर्मेट में चलिए, फॉर्मेट सेल खोलिए, अब इसको लॉक कर दीजिए। अब जो ही इसको हम लॉक करेंगे और आप इसको ओके करिए, लॉक करने के बाद आप इसको ओके करिए, अब ओके करने के साथ साथ आपको अब फिर से इसको प्रोटेक्ट शीट करने होंगे। शीट के लिए 1 2 3 दीजिए, फिर वही 1 2 3 देते हैं, अब हमारा ये लॉक हो गया। अब आप इस सेल के अंदर में कुछ नहीं लिख सकते, ये देखिए हम कोई भी चीज़ चेंजिंग करना चाहते हैं तो हमारा इस सेल में नहीं होगा, लेकिन इस सेल के बाहर हम चाहेंगे कि कुछ भी लिखे तो लिखा जाएगा। इस तरह से स्पेसिफाई किसी सेल को हम लोग प्रोटेक्शन कर दिए। अब ठीक उसको उलट दीजिए, हम अंदर तो लिखाएगा लेकिन बाहर नहीं लिखाएगा, तो फिर से आप इसको पूरे को, अभी आप पहले इसको अनप्रोटेक्टेड शीट करते हैं, करिए। अब इसमें 1 2 3 जो भी आप दिए थे हमने अनप्रोटेक्टेड शीट कर लिया।
अब फिर से ब्लॉक बनाइए, इस पूरे को ब्लॉक बना के अब फिर से कंट्रोल वन करिए या फॉर्मेट में चल के हम लोग फॉर्मेट सेल खोलिए। अब यहाँ से हम लोग पूरे को लॉक कर देते हैं। अब पूरे को लॉक कर दिए, अब ये आपका पूरा सीट लॉक हो गया, तो फिर से आप प्रोटेक्शन हो गया। अब हम लोग इतना को ब्लॉक बनाते हैं और इसको हम लोग अनलॉक कर देते हैं। फिर फॉर्मेट में चलिए, फॉर्मेट सेल में चलिए, अब इसको हम लोग अनलॉक कर देते हैं। ओके करिए, अब फिर से इसको हम लोग प्रोटेक्ट सीट करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रोटेक्टर सीट आपका ये काम नहीं करेगा। फिर इसमें पासवर्ड दीजिए, आप जो देना चाहते हैं वो पासवर्ड आप दीजिए। अब आप देखेंगे कि बाहर का सीट हमारा लॉक हो गया। ये देखिए, बाहर के सीट में आप नहीं लिख पा रहे हैं, अंदर के सीट में आप लिख पा रहे हैं, ठीक उल्टा हो गया। तो इस टाइप से अगर हम चाहते हैं कि हमारा कभी सेल लॉक हो जाए, कभी बाहर का हो, किसी को देना हो तो अंदर का लॉक रहे, बाहर का अनलॉक रहे, तो इस टाइप से आप फॉर्मेट में जा कर के ये अनप्रोटेक्ट सीट का सहारा लेकर के कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से इसको अनप्रोटेक्टेड सीट कर लेते हैं। आप पासवर्ड दिए थे 123, जो दिए हैं आपका अनप्रोटेक्टेड हो गया। तो इस टाइप से आप स्पेशल टाइप के सेल को लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो इतना सेल को भी आप लॉक कर सकते हैं कि आपका काम नहीं करे। हम पूरे को ब्लॉक बना के बताए हैं, बाहर अंदर फिर अंदर बाहर, जैसे आप समझें। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि फॉर्मूला, ये देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया आपको पता चलता है। हम ये किसी को सीट दे, ये किसी को डाटा दे, तो डाटा तो दे लेकिन मेरा फॉर्मूला वो नहीं देख सके, काम वो सब कर सके लेकिन मेरा फॉर्मूला वो नहीं देख सकता है। तो इसके लिए क्या करें, जिस सीट के अंदर में लगाना है इतना सीट को ब्लॉक बनाइए। अब आप फिर से कंट्रोल वन दबाइए। आप जो ही कंट्रोल वन दबाएंगे तो यहाँ लॉक के साथ साथ हिडन लिखे हुए हैं, आप दोनों लगा के देखिए। लॉक नहीं लगाते हैं, हिडन लगाते हैं, आप हिडन कर दीजिए। और जो ही हिडन करिएगा, ये हिडन हो गया। अब आप फिर से जा कर के प्रोटेक्टर सीट करिए। अब इसमें आप जो भी पासवर्ड देना है ये आप दीजिए। अब जो ही दीजिए, ये देखिए हमारा फॉर्मूला बार पे फॉर्मूला नहीं दिखता है। आप जो करना चाहे, आप इसके अंदर में 25, 50, 60 जो भी करना चाहे आप कर तो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको पता नहीं चलता है कि हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए, इस टाइप का काम करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला को हम लोग चाहे तो लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। हम अगर ये सीट किसी को देते हैं, कोई फाइल देते हैं, तो मेरा कोई से कोई वर्क कितना भी चेंज तो कर सकता है, लेकिन वो मेरा फॉर्मूला नहीं जान पाएगा कि किस टाइप का फॉर्मूला हम लगा के रखे हैं। फिर से अगर हमको हटाने हैं तो फिर ब्लॉक बनाइए और वही बात, फॉर्मेट में जाइए, अनप्रोटेक्टेड सीट करिए, 1, 2, 3 जो भी पासवर्ड डाले हैं, तो ये देखिए आपका लॉक हट गया। आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाए हैं आपको दिखता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फॉर्मेट मेनू के अंदर में प्रोटेक्टेड सीट, लॉक सेल, या लॉक सेल के अलावा ये फॉर्मेट सेल में भी जा कर के लॉक और हिडन, आप किसी भी फॉर्मूला को हिडन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इस टाइप का कंसेप्ट हम आपको बताएं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि एमएस एक्सेल के अंदर में रो को, शीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, लॉक को कैसे सेट कर, लॉक सेल को कैसे लॉक करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग कैसे हाइड करेंगे, ये सब आज के सेशन में डालें। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।